गुड मॉर्निंग। समर्पण की ऑनलाइन हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे, कबीरदास जी का परिचय हमने देखा कि कबीरदास जी का जन्म कब हुआ, कहां पर हुआ तथा उनकी माता पिता का क्या नाम है तथा उनका हमारे साहित्य में क्या योगदान है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। आज हम सरयू, हमारी जो पाठ्य पुस्तक सरयू है, उसके प्रथम अध्याय कबीरदास जी का अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए, कबीरदास जी के हमारे दोहे लगे हुए हैं और कल मैं एक बात कर रहा था आपसे कि इनके गुरु का नाम क्या बताया था, रामानंद। इनके गुरु का नाम बताया था रामानंद और इन रामानंद ने इन्हें एक राम नाम दिया था। इनको क्या दिया था, राम नाम दिया था। यानी क्या दिया था भाई, राम नाम दिया था। कबीरदास जी देखो राम के बारे में बात करते हैं, कबीरदास जी कहते हैं राम के बारे में, लेकिन कबीरदास जी का जो राम है वो निर्गुण राम है और तुलसी का जो राम है वो सगुण राम है। देखो रामानंद के दो प्रकार के शिष्य थे, ये सगुण और निर्गुण। दोनों प्रकार के अपने शिष्यों को ये ज्ञान दिया करते थे, सगुण का ज्ञान भी दिया करते थे और निर्गुण का ज्ञान भी दिया करते थे। सगुण वालों को भी राम नाम ही देते थे और निर्गुण वालों को भी क्या देते थे, राम नाम ही देते थे। तो जो तुलसी के राम है वो सगुण है, दशरथ पुत्र राम, और जो कबीर के राम है वो निर्गुण राम है। इनका ना तो कोई रूप है, ना कोई आकार है, ना ही रंग है, ना ही इसके कोई माता पिता है। जिसे हम निराकार कहते हैं वो निराकार है कबीरदास जी के जो राम है। इसके बारे में मैं बता, क्योंकि राम नाम के बारे में आगे हम बात करेंगे, हमारे पद में ये बात आएगी। अब देखिए पहला पद हम अध्ययन करते हैं कि कबीरदास जी स्वयं भी कहते हैं कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म न आना। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म न आना। इसका मतलब क्या कि ऐसा पद देखेंगे तो हम आंख बंद कर ये कह देते थे कि ये तो तुलसीदास जी का नहीं, ये कबीरदास जी का है। कबीर ने राम का नाम लिया है तो दशरथ के पुत्र राम नहीं है, ये निराकार राम की बात हो रही है। अभी हम गुरु में पहला पद हम अध्ययन करते हैं, गुरु गोविंद तो एक है दूजा यो आकार। गुरु गोविंद तो एक है दूजा यो आकार, आपा मेट जीर के मरे तो पावे करता। कबीरदास जी देखो इसको समझने से पहले हमें एक चीज समझनी चाहिए, ये कहना क्या चाह रहे, क्योंकि इस पर शंकराचार्य का भी कह रहा था, शंकराचार्य के अद्वैतवाद का प्रभाव कबीरदास जी करने का जाता है और ये पद है जो हमारा अद्वैतवाद से प्रभावित है, अद्वैतवाद से प्रभावित है। कबीरदास जी के का जो ये पद है जो शंकराचार्य के अद्वैतवाद से प्रभावित है, कैसे प्रभावित है जैसे बात करते हैं। देखो ये कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि ये क्या है, परमात्मा है, ब्रह्म है या परमात्मा है, ईश्वर है, निराकार ईश्वर जिसका कोई रूप रंग आकार नहीं है, और इसे निराकार का ही एक अंश है गुरु, एक अंश है गुरु, और इस निराकार का एक अंश हम बता रहे हैं कबीरदास को। कबीरदास एक अंश है गुरु, यानी ये कह रहे हैं कि गुरु गोविंद तो एक है दूजा यो आकार, यानी ब्रह्म है, परमात्मा है। इस परमात्मा के अंश कौन है, गुरु है। इस परमात्मा के अंश कौन है, गुरु है, और ये इसी के अंश होने की वजह से केवल ये तो हमारे शरीर का भेद है जो इनको हम अलग अलग मानते हैं, बाकी अंश तो किसका है, गुरु किसका अंश है, इस परमात्मा का ही अंश है। केवल ये तो हमारा ब्रह्म है जो इसे हम अलग अलग मानते हैं। जैसे कल भी मैं कह रहा था जल में कुंभ, कुंभ में जल, चारों ओर जल ही जल, फूटा कुंभ जल जल ही, फूटा कुंभ जल जल ही समान है। यानी कुंभ जल के अंदर कुंभ है, यानी घड़ा है, और चारों ओर पानी ही पानी है, और उस जल घड़े में भी क्या है, पानी। और जैसे ही मटका या घड़ा फूट जाता है वापस पानी किसमें मिल जाता है, मटके का पानी भी उस पानी में ही मिल जाता है। तो यही है परमात्मा, ये परम ब्रह्म है और ये गुरुदेव है, इसमें भी जीवात्मा है, और ये जीवात्मा किसका अंश है, इस गुरुदेव की जो जीवात्मा है किसका अंश है, ब्रह्म का ही अंश है। यही बात मैं कहना चाह रहे हैं। देखो इसका अर्थ गुरु यानी गुरुदेव, गोविंद यानी भगवान, या ईश्वर, ईश्वर तो यही तो
एक यानी एक यानी अद्वैतवाद। अद्वैतवाद भी क्या कहता है, यहां देखो अद्वैतवाद क्या कहता है, परमात्मा परमात्मा और आत्मा अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही हैं, क्योंकि ये आत्मा है जो इस परमात्मा का ही अंश है। तो ये अद्वैत यानी नहीं, द्वैत यानी दो, यानी जीवात्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही हैं, और इसका ही प्रभाव यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है। गुरु यानी गुरुदेव, गोविंद यानी सर, तो ये तो एक यानी एक, दूसरा यानी दूसरा, यव यानी यह दूसरा, यव यानी यह, आकार यानी शरीर, आकार यानी शरीर, आपा यानी अहंकार, अहम, अहम, और मेट यानी मिटाना, मेट यानी मिटाना, जीवित मरे यानी अहंकार का त्याग, शरीर शरीर का त्याग, तो यानी तब, तो यानी तब, पाव यानी प्राप्त करना, प्राप्त करना, कर्ता यानी ईश्वर, कर्ता यानी ईश्वर। यहां देखो गुरु यानी गुरुदेव, गोविंद यानी सर, तो यानी तो जगह एक यानी एक है, एक है दूसरा यानी दूसरा, यव यानी यह है, आकार यानी शरीर, आपा यानी अहंकार या अहम, मेट यानी मिटर या नष्ट करना, शरीर जीवित मरे यानी शरीर का त्याग, तो यानी तब, पावे यानी प्राप्त करना, तो यानी तब, पावे यानी प्राप्त करना, कर्ता यानी ईश्वर। यानी कबीरदास ये कहना चाह रहे हैं कि गुरु गोविंद तो एक है, गुरुदेव तथा ईश्वर तो ये दोनों तो एक ही। यहां देखो ब्रह्म और ये गुरु, ये परमात्मा, ये आत्मा, ये परमात्मा है, इस परमात्मा का अंश क्या है, आत्मा। तो यही बात ये कहना चाह रहे हैं, गुरु गोविंद तो एक है, गुरु और गोविंद या ईश्वर ये दोनों तो एक है, ये दोनों तो क्या है, एक ही है, एक का ही अंश है, परमात्मा का ही अंश है, ये दोनों तो एक है। दूजा यू आकार, ये हमारे शरीर में, आकार शरीर, ये हमारे शरीर में स्थित जो हमारा मन है, ये जो हमारे शरीर में स्थित जो हमारा मन है, यही अज्ञानतावश, यही अज्ञातावश इन दोनों में क्या करता है, अंतर करता है कि परमात्मा अलग है, गुरुदेव अलग है, आत्मा और परमात्मा अलग अलग है। केवल हमारे शरीर में स्थित जो हमारा मन है, यह अज्ञातावश इन दोनों में भेद करता है, अन्यथा गुरुदेव और गोविंद ये दोनों तो एक ही है, उस परमात्मा के ही अंश है। आपा मेट जीवित मरे, आपा मेट जीवित मरे तो पावे करता, अगर मनुष्य या कबीरदास जी कहते हैं कि आपा मेट यानी मनुष्य अपने अहंकार को नष्ट कर देता है या मिटा देता है, अपने अहंकार को मिटा देता है, जीवित मरे तो जीते जी इस शरीर का त्याग कर देता है, जीते जी अगर इस शरीर का या अहंकार का त्याग कर देता है तो पावे करता, तब वो परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। ये अपने जीते जी शरीर का अहंकार त्याग देगा, अहंकार तथा इस शरीर को त्याग देगा तो उस परमात्मा की क्या कर लेगा, प्राप्ति कर लेगा। यानी अहंकार को त्यागने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, ये बात है कहना चाह रहे। देखो गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यू आकार, यानी गुरुदेव तथा परमात्मा ईश्वर ये दोनों तो एक ही है, दूजा यू आकार, ये हमारा शरीर है, शरीर में स्थित जो हमारा मन है, ये अज्ञातावश इन दोनों में भेद करता है, गुरु और गोविंद अलग अलग है, इस बात को लेकर ये भेद करता है। आपा मेट जीवित मरे, यानी अगर मनुष्य अपने अहंकार को नष्ट कर देता है तो जीते जी अपने शरीर का त्याग कर देता है, या जीते जी त्याग कर देता है अहंकार को, तो जीते जी इस परमात्मा की क्या कर लेता है, प्राप्ति कर लेता, तो पावे करता, जीते जी इस ईश्वर की प्राप्ति कर सकता। अब देखो यहाँ ये तो हो गया इसका अर्थ, अब इसमें मेन बात क्या हो रही है, इस पंक्ति की विशेषता क्या है, कि यहाँ कबीरदास जी हमें बताना चाह रहे हैं कि गुरु और गोविंद दोनों अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। इस आधार पर मैं कहूंगा कि यहाँ पर विशेष में, विशेष में क्या लिखना है हमें, देखो विशेष
किसी भी पद के दो पक्ष होते हैं, एक भाव पक्ष होता है और एक कला पक्ष होता है। जब भी हम व्याख्या करते हैं तो हम व्याख्या कर देते हैं और उसका अर्थ कर देते हैं, इस देश में सीधी सदी रटी रटा एक बात कह देते हैं कि भाषा सरल एवं सुबोध है, बस इससे आगे कुछ नहीं लिखते। विशेष का मतलब होता है कि इस पद में क्या क्या आए हैं, सब के बारे में हमें चर्चा करनी है, कला पक्ष के बारे में चर्चा करनी है इसमें। देखो तो सबसे बड़ी बात क्या है, ये कहना चाहिए कि गुरु ये शंकराचार्य की ये पद है जो शंकराचार्य के अद्वैतवाद से क्या है, अद्वैतवाद से प्रभावित है, प्रभाव। दूसरी बात सबसे बड़ी बात है, इसमें देखो कोई अलंकार दिख रहा हो तो अलंकार इसमें अगर हम कहना चाहें, क्योंकि अंक इतुक होने की वजह से मैं कह रहा हूं कि इसमें अनुप्रास अलंकार, अलंकार कौन सा है, अलंकार की बात करें हम अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। दूसरी बात हम कहना चाहिए इसमें गुण कौन सा है, गुण कौन सा है, गुण दोष इसमें गुण है, प्रसाद गुण इस पद में कौन सा गुण है, प्रसाद गुण है, कौन सा गुण है, प्रसाद गुण। अब शब्द शक्ति की बात करें तो इस पद में शब्द शक्ति कौन सी है, देखो गुरु गोविंद तो एक है दूजा यू आकार, आपा में जीवित मरे तो पावे काकार, तो शब्द शक्ति की बात करें हम यहाँ तो लक्षणा शब्द शक्ति है, कौन सी है लक्षणा शब्द शक्ति है। भाषा शैली की बात करें, भाषा शैली तो भाषा शैली की बात करें तो भाषा शैली उपदेशात्मक है, कौन सी है भाई उपदेशात्मक, यानी ये उपदेश देने की बात हो रही है, हमें ज्ञान देने की बात करें कि हम अगर अपने अहंकार को त्याग देंगे तो जीते जी हम उस परमात्मा की प्राप्ति कर लेंगे, क्योंकि मनुष्य अगर अपने अहंकार को त्याग देगा तभी, अहंकार को जब तक त्यागेगा नहीं तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है, जैसे ही हम अहंकार को त्याग देंगे वैसे ही हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और हमें अज्ञातवश हम गुरु आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं, यह हमें उपदेश देने की बात कही है। आगे बात है इसमें रीति कौन सी है, रीति की बात करें तो इसमें रीति वैदर्भी है, वैदर्भी रीति है, रीति कौन सी है भाई वैदर्भी। अगर हम बात करें इसकी रीति वैदर्भी है और गुण हो गया दोष हो गया, भाषा 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 की बात करें ये भाषा शैली, ये भाषा शैली, भाषा की बात करें तो पंचमेल खिचड़ी, मेल खिचड़ी कह दो, खिचड़ी कह दो या समुकड़ी कह दो, समुकड़ी भाषा कह दो, ये कबीर दास जी की भाषा है, इस पद की भाषा भी हमें देखने को मिलती है। अब कहना का अद्वैतवाद से प्रभावित हो गया, ठीक है, अलंकार हो गए, गुण हो गए, शब्द शक्ति होगी, शब्द शक्ति होगी, भाषा शैली होगी, गुण हो गए, रीति हो गई, ये विशेष हमें लिखना है। दूसरी बात हमें अहंकार का त्याग करना जरूरी है, जब अहंकार का त्याग करेंगे तभी हम क्या करेंगे, उस परमात्मा की प्राप्ति करेंगे। ये हमारा पहला पद यहाँ पर समाप्त होता है। अगली बात करते हैं दूसरे पद, दूसरे पद की बात करें तो यहां देखो पहला पद हो गया ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला सो जिन बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए, यानी कहना क्या चाह रहे हैं, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला सो जिन बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। ज्ञान प्रकाश यानी प्रकाशित, इसको यहां से निकालो, यानी प्रकाशित इसका हो जाएगा प्रकाश का, प्रकाशित गुरु यानी गुरुदेव मिला यानी मिल गए, सो यानी जिसे, सो यानी जिसे या जिन, जिसे या जिन, जिन यानी नहीं, जिन यानी नहीं, बिसरी यानी भुला, भुलाना, जाए यानी जाए, जाए यानी जाए, जब गोविंद, गोविंद यानी ईश्वर, गोविंद यानी ईश्वर, कृपा यानी कृपा, क्योंकि यहां देखो कबीर अनपढ़
और वो जैसा गाते थे उनके शिष्य धर्मदास जैसा लिख देते। तो यहाँ कृपा करियन करना तब ये तब गुरु यानी गुरुदेव मिले यानी मिले हैं आए यानी आकर आकर मिले यानी मिलना लिखना चाहो तो लिखो मिलना। अब यहां कह रहे हैं देखो इस पद का दो प्रकार चेक करेंगे हम ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला सो जी बिस्री जाए यानी कबीर दास ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे हृदय में ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला यानी मेरे हृदय में जब ज्ञान का प्रकाश हुआ तब मुझे गुरु की प्राप्ति हुई। जब मेरे हृदय में ज्ञान का प्रकाश हुआ गुरु मिला तब मुझे सदगुरु की प्राप्ति हुई है। सो जी बिस्री जा ऐसे गुरुदेव को तथा उसके द्वारा प्रदत्त ज्ञान को मैं कहीं भूल न जाऊं। ऐसे गुरुदेव को या उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान को कहीं मैं भूल ना जाऊं। देखो ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला यानी जब मेरे हृदय में ज्ञान का प्रकाश हुआ तब मुझे सदगुरु की प्राप्ति हुई। सो जिन बिस्री जाए और ऐसे गुरुदेव को तथा उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को कहीं मैं भूल नहीं जाऊं कहीं मैं भूल नहीं जाऊं। एक तो ये हो रहा है इसका एक दूसरा कौन सा हो रहा है ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला सो जिन बिस्री जाए यानी ज्ञान के प्रकाश से युक्त गुरुदेव मुझे मिल गए यानी मुझे ज्ञानी गुरु की प्राप्ति हो गई। मुझे ज्ञानी गुरु की प्राप्ति हो गई है सो जी बिस्री जाए ऐसे गुरुदेव को मैं बुलाना नहीं चाहता कि मुझे सदगुरु यानी ज्ञानी गुरु की प्राप्ति हो गई है ज्ञान वाले गुरु की प्राप्ति होती हो गई है ऐसे ज्ञान वाले गुरु को मैं बुलाना नहीं चाहता। दूसरा अब इसमें जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए जब ईश्वर की कृपा होती है जब ईश्वर ने कृपा की तब जाकर मुझे सदगुरु की प्राप्ति हुई है अन्यथा मुझे सदगुरु मिलते ही नहीं। जब गोविंद कृपा करी यानी उस परमात्मा ने कृपा करी मेरे ऊपर दया की तब जाकर मुझे तब गुरु मिलिया आए तब जाकर मुझे सदगुरु की प्राप्ति हुई है ऐसे सदगुरु को मैं भुलाना नहीं चाहता। अब यहां कहना क्या चाह रहे हैं कि हमें विशेष में क्या लिखेंगे कि हमें गुरु की प्राप्ति कब होती है हमें गुरु की प्राप्ति होती है जब परमात्मा या ईश्वर कृपा करते हैं तभी हमें गुरु की प्राप्ति होती है। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी तब तक हमें सदगुरु नहीं मिल सकते। तो स्वयं भी कहते हैं कबीरदास जी गुरु गोविंद दोहुं खड़े काके लागूं पाई बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए ये तन बिसकी बेलरी गुरु अमृत की खान शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो इसी प्रकार से गुरु का महत्व बता रहे हैं कि अगर हमें इस भवसागर से कोई पार ले जाने वाला है इस भवसागर से मुक्ति दिलाने वाला है तो सदगुरु हैं और सदगुरु कब मिलेंगे सदगुरु तभी मिल सकते हैं जब उस परमात्मा की ईश्वर की कृपा होगी तभी हमें सच्चे सदगुरु मिलेंगे। यही बात हमें इस पद में बताना चाह रहे हैं। अब यहाँ कहने का मतलब विशेष में क्या लिखना है अद्वैतवाद को यहाँ से हटा देंगे और गुरु की प्राप्ति ईश्वर की कृपा से सदगुरु की प्राप्ति होती है सदगुरु की प्राप्ति होती नीचे इसको मिटाना सदगुरु की प्राप्ति होती है। अलंकार इसमें देखो ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला सो जिन बिस्री जा केवल इसमें अंतिम पद में तुक पंक्ति होने की वजह से यहां अनुप्रास अलंकार कर सकते हैं। शब्द शक्ति गुण प्रसाद है कोई दिक्कत नहीं शब्द शक्ति ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला सो जिन बिस्री जाए जब गोविंद कृपा करे तब गुरु मिलिया आए यहां अभिदा का पुत्र ज्यादा है अभिदा का क्या है अभिदा शब्द शक्ति का पुत्र ज्यादा है क्योंकि सीधा साधा अर्थ निकल रहा है इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं बाधा सही उद्देश्य उद्देश्यात्मक ही है उद्देश्य हमें देने की कोशिश कर रहे हैं कबीरदास जी कि जब ईश्वर की कृपा होती है तभी हमें सदगुरु मिलते हैं और जब तक सदगुरु नहीं मिलेंगे तब तक हम इस भवसागर से संसार से पार नहीं जा सकते हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। इस प्रकार से उद्देश्य देने की बात की है रीति वेदर भी है कोई दिक्कत नहीं भाषा पंच में खिचड़ी है।
अगर हम रस की बात करें, पीछे वाले में लिख लेना चाहिए रस की बात करें तो यहाँ शांत रस है। रस कौन सा रही? शांत रस है। रस की बात करें तो शांत रस है। कहीं पर भी हमें माधुरी माधुरी की बात, कहीं पर भी हमें अन्य रसों की बात, भक्ति श्री रति कह सकते हैं, श्री रति की बात यहाँ चल सकती है, क्योंकि गुरु और परमात्मा दोनों को एक बताया गया, तो यहाँ शांत रस हो जाएगा। बाकी ऐसे जैसे रहेगा सब शक्ति में कोई बदलाव नहीं होगा। आगे बात करें, इन दोनों को मिटा देता हूं क्योंकि यहां तक हो गया, लिखने में हमें परेशानी होगी। क्योंकि जब भी हमारी व्याख्या पूछी जाती है, हमें व्याख्या आती है, तो एक तो हमारी व्याख्या तीन भागों में बटी हुई होती है। देखिए जब आता कि सह प्रसंग की व्याख्या लिखी, तो सह प्रसंग व्याख्या लिखी एक तो जैसे तीन भागों में, तो प्रसंग का जैसे चार अंक की कोई व्याख्या, चार अंक की कोई व्याख्या है और इसके अंक हमें बटे हुए होते हैं। चार अंक की व्याख्या है तो एक अंक का तो क्या होता है विशेष, एक अंक तो होता है प्रसंग, एक अंक का होता है अर्थ, दो अंक का हो जाएगा अर्थ, और बाकी जो एक अंक है एक है विशेष का, यानी अर्थ तो केवल दो ही अंक दिलाता है हमें, एक अंक तो प्रसंग का होता है, एक अंक होता है विशेष का। और इस एक अंक को तो हम इस प्रसंग का तो फिर भी हम अंक ले लेते हैं, अर्थ का तो हमें मिल जाता है, लेकिन विशेष का जो अंक है वो ऐसे कैसे छोड़ देते, क्योंकि हम सीधा क्या लिखते हैं, भाषा सरल है सुबोध, बाकी और कुछ नहीं, क्योंकि ये लिखेंगे तभी हमें ये पूरे के पूरे एक अंक ही मिलेंगे। आगे बात करते हैं, अगले पद की, अगले पद में बात करें, पीछे लागा जाय था लोक वेद के साथ, पीछे लागा जाय था लोक वेद के साथ, आगे पे सतगुरु मिलिया दीपक दिया था। बोलो, पीछे लगा जाए था लोक वेद के साथ, आगे पे सतगुरु मिलिया दीपक दिया था। यानी यहां पर देखो दो बात है, कल मैं आपको बता रहा था कि कबीरदास जी ने कर्म कांड का सामाजिक पाखंड का कर्म कांड का वैदिक कर्म कांड का खुलकर विरोध किया था। वैदिक कर्म कांड का क्या किया था, विरोध किया था। ये वैदिक कर्म कांड के लिए कहें कि हमें वैदिक इस संसार से मुक्ति पाने के लिए वैदिक कर्म कानून की आवश्यकता नहीं है। वैदिक कर्म कानून के बगैर जैसे हमारे वेदों में लिखा हुआ है, अगर हम उनका अनुसरण करते हैं उसे ही हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, उसके अलावा भी हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये बात ये कहना चाहे कि हमें वेदों का अंधा अनुकरण नहीं करना है, कि अंधा अनुकरण करते जाए और हम उससे भवसागर पार नहीं करेंगे, हमारी मुक्ति नहीं होगी, बल्कि हम इस भवसागर में डूब जाएंगे। तो यहाँ पीछे लागा जाए था, यानी पीछे अनुकरण, अनुकरण कर लेंगे अनुकरण, यानी अंधा अनुकरण, वो भी बिना सोचे समझे जो अनुकरण किया जाता है उसे अंधा अनुकरण करते हैं। लोक यानी लौकिक, वेद जो हमारे वेदिक 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 जितने भी हमारे कर्म कांड है उनके बारे में, क्योंकि ये वेदिक कर्म कांड कहां से प्रभावित है, कल मैं कह रहा था नाथु से बौद्ध से सबसे ज्यादा। देखो वेदिक कर्म कांड की अगर इन्होंने नाथ तो है ही, इस वेदिक कर्म कांड से सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कबीरदास जी हैं तो वो कहां से हैं, वो बौद्ध से प्रभावित है, क्योंकि वेदिक कर्म कांड के खंडन की प्रवृत्ति अगर कहीं से लिया कबीरदास जी ने तो बौद्ध से लिए, क्योंकि सबसे पहले वेदों का खंडन करने वाला ही बौद्ध धर्म था। इस आधार पर मैं कहूंगा कि वेदिक कर्म कांड की नातुंगता बौद्ध से इन्होंने ग्रहण की है। लोक वेदी वेदिक साथ ही साथ, साथ यानी साथ, आगे यानी आगे यानी रास्ते में, सतगुरु यानी गुरुदेव, मिले यानी मिले मिले, दीपक दिया हाथ, दीपक यानी दीपक दिया, दीपक यानी दीपक दिया यानी ज्ञान रूपी दीपक, ज्ञान रूपी दीपक, ज्ञान रूपी दीपक, इसका यहां देखो आगे यानी आगे तेन के से सतगुरु यानी गुरुदेव मिले यानी मिल गए हैं, दीपक दिया यानी ज्ञान रूपी दीपक दिया यानी देना, दिया यानी देना, हाथी यानी हाथी यानी हाथ, हाथी यानी हाथ, यहां
विशेष की बात करें रूप धारण का हो जाएगा। पीछे लागा जाएगा लोक वेद के साथ, पीछे लागा जाएगा लोक वेद के साथ। कबीर दास जी कह रहे हैं कि मैं भी अज्ञानी जन की तरह, मैं भी अज्ञानी जन की तरह इस भोगसागर को या संसार सागर को पार करने के लिए लौकिक या सांसारिक वैदिक परंपराओं का, सांसारिक या लौकिक वैदिक परंपराओं का पीछे लगा जाए अंधा अनुकरण करता हुआ जा रहा था। ठीक कह रहा हूं, पीछे लगा जाए था लोक वेद के साथ, यानी कबीरदास जी सबने बताना चाह रहे यहां से लेंगे लोक वेद से। कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि मैं भी इस भवसागर से पार जाना चाहता था, इस संसार सागर से मोक्ष प्राप्त करना चाहता था, और उसके लिए मैंने वैदिक कर्म कानून का क्या अपनाया, मार्ग अपनाया था। इस बात को ही कहना चाहेंगे कबीरदास स्वयं कह रहे हैं कि मैं भी पहले वेदों में जैसा लिखा था वेदों का अनुकरण करके इस भवसागर से पार जाना चाहता था, लेकिन इस रास्ते पर चलते हुए मुझे आगे सदगुरु मिल जाते हैं, पहले खाका बना रहा हूं, सदगुरु मिल जाते हैं और सदगुरु ने मुझे ज्ञान रूपी दीपक दे दिया जिससे मैं जान गया कि इस वैदिक कर्म कांड से भवसागर पार नहीं किया जा सकता। ये कह रहे हैं देखो, पीछे लागा जाता लोक वेद के साथ कि मैं इस संसार सागर को पार करने के लिए अज्ञानी जनों की भांति, जो अन्य लोग अज्ञानी थे वो अंधानुकरण करते थे, अज्ञानी जनों की भांति मैं भी इस लौकिक या सांसारिक वैदिक परंपराओं का, सांसारिक वैदिक परंपराओं का पीछे लगा जाए था अंधा अनुकरण करता हुआ उनके पीछे पीछे जा रहा था कि ये वैदिक परंपराएं हैं जो हमें इस भवसागर से पार लगा देगी। लेकिन इस रास्ते पर चलते हुए आगे के सतगुरु मिला, यानी इस रास्ते पर, यानी इस वैदिक परंपराओं के रास्ते पर चलते हुए मुझे सतगुरु की प्राप्ति होगी, आगे के सतगुरु मिला मुझे, सतगुरु की प्राप्ति हो गई है, दीपक दिया हाथ और सदगुरु ने मुझे ज्ञान रूपी दीपक हाथ में दे दिया, यानी ज्ञान रूपी दीपक क्या दे दिया, हाथ में दे दिया, जिस कारण से मैं इस दीपक के प्रकाश से जान पाया इस भवसागर से पार लगने के लिए इस वैदिक परंपराओं का अंधा अनुकरण नहीं करना है और इस अहंकार का हमें क्या करना है, त्याग करेंगे तब इस भवसागर से पार जाएंगे। ये लोक वेदों का अंधा अनुकरण, जिसका ज्ञान ही नहीं है हम उसका अनुकरण करते जा रहे हैं तो वो कभी भी हमें भवसागर से पार नहीं लगा सकता। तो यहां विशेष की बात करें, दीपक दिया हाथ में रूपक अलंकार, यहां अलंकार की बात करें शब्द शक्ति हो जाएगी लक्षण, लक्षण अनुप्रास तो वही हो जाएगा, इसके साथ में आप कर लो रूपक अलंकार, रूपक अलंकार, रूपक हो जाएगा, अनुप्रास चलता है, अनुप्रास तो अनुप्रास तो चलता है। अब यहां क्या कहना चाह रहे हैं कि ये ईश्वर की कृपा होती है तब तो सदगुरु पीछे वाला है, तो कि हमें इस भवसागर से, भवसागर से, भवसागर से पार लगाने वाले, पार लगाने वाले कौन है, गुरुदेव, गुरुदेव, और हमें इस वैदिक, मैं क्या कहूं, वैदिक कर्म कानून का विरोध कर रहे हैं यहां पर, यहां पर क्या कर रहे हैं, कल जी ने कह रहा था कि कबीरदास जी ने वैदिक कर्म कानून का खंडन मंडन किया है, खंडन मंडन की प्रवृत्ति लिखाई थी, सामाजिक खंडन मंडन की प्रवृत्ति, ये वाली प्रवृत्ति मैंने लिखाई थी हम कल कबीरदास जी के, तो वो निकल कर आ रहे कि हमें वेदों का अंधा अनुकरण नहीं करना है, हमें वेदों का अंधा अनुकरण नहीं करना है, भाषा ये शैली उद्देशात्मक हो जाएगी, प्रसाद गुण है कोई दिक्कत नहीं, रीति वैदर भी है, पांचाली पिछड़ी सदुपड़ी भाषा रस चाहिए, इसमें कहीं कोई बदलाव नहीं करना है, रूपक अलंकार है, साथ में ये लिखना है कि हमें अज्ञानता बस किसी मार्ग, जिस मार्ग को हम जानते ही नहीं है उस मार्ग का हमें अंधा अनुकरण नहीं करना चाहिए, हमें भवसागर पार लगाने के लिए निराकार क्रम भ्रम की आवश्यकता है, क्रम भ्रम केवल सदगुरु के ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, बाकी इसके द्वारा नहीं है, यानी दीपक दिया ज्ञान रूपी दीपक, यानी ज्ञान से ही परमात्मा की प्राप्ति, ज्ञान कैसा है, निराकार ब्रह्म का ज्ञान है जो सदगुरु के द्वारा ही दिया जा सकता है। यहां अगर मैं बात करूं तो कल मैंने एक चीज और लिखाई थी आपको, रहस्यवाद लिखा था, रहस्यवाद कैसा था, साधनात्मक रहस्यवाद और भावात्मक रहस्यवाद, तो यहां जो बात कर रहे हैं कबीरदास जी साधनात्मक रहस्यवाद की बात कर रहे हैं, साधनात्मक रहस्यवाद की बात करें, क्योंकि साधनात्मक रहस्यवाद क्यों बात करें, साधनात्मक रहस्यवाद की इस वजह से बात करें क्योंकि योग के द्वारा इड़ा पिंगला
सुषुम्ना यानी सठ चक्रों के द्वारा जब हमें सठ चक्रों का ज्ञान होगा तब अपने अंत साधना से शारीरिक साधना से उस परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ इसकी बात ये हो आगे चले अगला पद कह रहा है बूढ़ा था पे उबरा गुरु की लहरी चमकी। बूढ़ा था पे उबरा गुरु की लहरी चमकी बेरा देखा जर जरा तब उतरी पड़े फरंगी। यहां देखो इस पद में देखो यहां क्या लग रहा है कि कबीरदास जी को मैंने लिखा कि कबीरदास जी वाणी के डिक्टेटर हैं, वाणी के तानाशाह है। कहीं पर भी उनकी कविताओं को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो बे शब्दों की कहीं उनके पास कमी हो, शब्दों की कहीं कमी हो, चाहे उस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकल रहा उस समय, लेकिन कबीरदास जी ऐसे तुकबंदी लगा देते थे कि फरंगी ऐसे शब्द जोड़ देते थे कभी जैसे कि भाषा तो उनकी दासी। कबीरदास जी के पद पढ़ के ऐसे लगता है कि जैसे भाषा तो उनकी दासी, शब्दों की कहीं कमी नजर नहीं आ रही कबीरदास जी के पद पढ़ते हुए हमें। तो यहाँ इस आधार पर भी कैसे चमकी फरंगी देखो ऐसे ही जोड़ दिया उन्होंने तो भाषा का तानाशाह इसी वजह से कहा गया भाषा का तानाशाह। यहां देखो बूढ़ा यानी डूबा डूबना डूबा डूब थापे पर यानी पर उबरा उबर गया बच गया बचन गुरु की लहरी लहर चमकी टक्कर बेरा यानी नाव बेरा यानी इधर नाव देखे देखना जलजरा जीर्ण जीर्ण इसे कह सकते हैं जीर्ण या जलजर यानी टूटा फूटा ये कहते हैं टूटा फूटा उतरी यानी उतर गए पढ़े यानी पढ़ना तरंग यानी तुरंत 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 यानी फटाफट जल्दी से यानी बूढ़ा थापे उबरा गुरु की लहरी चमकी बेरा देखा जर जरा तब उतरी पड़े फरंग यानी कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि मैं इस भवसागर को पार करना चाहता था। कैसे पार करना चाहता था अहंकार रूपी बेड़े पर सवार होकर नाव पर अहंकार रूपी नाव पर सवार होकर मैं इस भवसागर से पार जाना चाहता था लेकिन क्या हुआ कि ये बेड़ा तो नितांत जर्जर जीर्ण शीर्ण अवस्था में मिला और ये बेड़ा मुझे इस भवसागर संसार सागर में डुबोने ही वाला था लेकिन ये तो गुरुदेव की कृपा हुई गुरुदेव की जो कृपा की वजह से मैं इस भवसागर से बच पाया हूँ इस बेड़े से उतर पाया हूँ और मैंने इस अहंकार का त्याग कर दिया। याद है बूढ़ा था पे उबर कि मैं एक अहंकार रूपी बेड़े पर सवार होकर इस संसार सागर को पार करना चाहता था पे उबरा पार करना चाहता था और इस पर पे उबरा पर मैं उबर गया बच गया क्योंकि इस अहंकार रूपी बेड़े पर सवार होकर जब मैं इस भवसागर को पार करना चाहता था तो ये अहंकार रूपी बेड़ा मुझे इस भवसागर में मोह माया के जाल में फंसा देता किसमें फंसा देता है सांसारिक विषय वासनाएं या मोह माया के जाल में फंसा देता और मुझे डुबो देता और मुझे डुबो देता पे उबरा पर मैं बच गया पर मैं बच गया कैसे गुरु की लहरी चमकी इस रास्ते पर चलते हुए मेरे से या मेरे को गुरु की लहर ने टक्कर दी मेरे को गुरु की लहर ने टक्कर दी यानी कहने का मतलब गुरु ने चेता दिया गुरुदेव ने चेता दिया और इस टक्कर से इस चेतन चेताने से मुझे क्या हुआ ज्ञान हुआ मुझे क्या हुआ ज्ञान हुआ और बेरा देखा जजरा और तब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई तब जब मुझे ज्ञान की प्राप्ति तब मैंने देखा कि जिस बेड़े पर जिस नाव पर मैं सवार होकर जा रहा हूँ वो तो नितांत क्या है जर्जर है जीर्ण है यानी टूटी फूटी है ये कभी भी मुझे इस भवसागर में डुबो सकती है तब तरी पड़े तंकी तब उस बेड़े को देखकर मैंने तुरंत वहां उस बेड़े से उतर गया कहने का मतलब मैंने अहंकार का
त्याग कर दिया। कबीर दास जी हमें ये कहना चाह रहे हैं कि अहंकार का त्याग करेंगे तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। जब तक हमारे पास में अहंकार रहेगा तब तक ईश्वर हमें प्राप्त नहीं हो सकते, वो परमात्मा हमें मिल नहीं सकता। जैसे कबीर दास जी कहते हैं, जब मैं था तब हरि, जब मैं था तब हरि नहीं, अब मैं नहीं तो हरि। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब मैं नहीं तो हरि मेरे पास। यानी जब अहंकार था तब मेरे पास परमात्मा नहीं थे, और अब मेरे पास परमात्मा है तो मैं नहीं, अब मैं नहीं। इसी प्रकार से ये कहना चाहे कि अहंकार का त्याग करने से, यहां लिखेंगे विशेष में, अहंकार का त्याग करेंगे तभी हमें सदगुरु की प्राप्ति होगी। किसका? अहंकार का त्याग करेंगे, अहंकार यानी विशेष में लिखेंगे, सब इस भवसागर से कैसे पार जाया जा सकता है, संसार सागर से कैसे पार जाया जा सकता है, अहंकार, अहंकार का त्याग करके इस भवसागर से हम पार लगा सकते हैं। अगर अहंकार की बात करें, अनुप्रास अहंकार, अनुप्रास अहंकार शब्द शक्ति यहाँ करेंगे, क्योंकि यहाँ लक्षण की बात हुई कि बूढ़ा थापे उबरा गुरु की लहरी चमकी, बूढ़ा है बूढ़ा यहाँ आ जाएंगे, यानी शब्द शक्ति लक्षण हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। भाषा शैली उपदेश दे रहे हैं, उपदेश क्या दे रहे हैं कि जब तक हम अहंकार का त्याग नहीं करेंगे तब तक इस भवसागर से, संसार सागर से पार नहीं उतर सकते। और इस संसार सागर से पार उतारने वाले कौन है? जब तक हमें सदगुरु की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हम इस भवसागर से पार भी नहीं जा सकते। प्रसाद में सत्य रचना देशात्मा वैद्य रीति पंचमी तिथि रस श्याम, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई बदलाव नहीं हो। आगे चले, यहाँ देखो अगली बात करते हैं। कबीर दास जी कह रहे हैं, कबीर चित चम किया चम दिस लागी, चम दिस लागी ला हरि सुमरि नहातुं गड़ा देखि गुरुं बुझाए। कबीर चित चम किया चम दिस लागी ला हरि सुमरि नहातुं गड़ा देखि गुरुं बुझाए। कबीर दास चित यानी मन, चित यानी मन, चम किया यानी चौंकना। देखो अभी से पहले मैं कह रहा हूँ वाणी का टिकट पर पाना सा, इससे पहले चमकिया शब्द आया था, चमकिया वहां क्या किया था, चमकना प्रकाशित होना, यहाँ क्या हो जाएगा चौंकना। चौं यानी चारों, दिस यानी दिशा और करना, इसका मतलब हो जाएगा और, चौंकिस यानी चारों, लाली यानी लगन, लाई यानी अब, लाई यानी आज या अभी, हरि यानी ईश्वर, हरि यानी ईश्वर, सुंदरी यानी स्मरण, स्मरण यानी याद करना, स्मरण यानी याद करना, नाम लेना, आतु यानी हाथ, आतु यानी हाथ, गड़ा यानी गड़ा हो जाए समझते मटका, देगी यानी जल्दी, जब तुरंत लिखो जल्दी में तुरंत, लेना, बुझाए बुझाना, बुझाए नहीं बुझाना। कबीर चित चम किया चम किस लागी ला हरि सुमरिन हातुं गड़ा देखि गुरुं बुझाए। यहां पीछे से देखिए, कबीर ने देखा, कबीर दास जी बताना चाह रहे हैं कि कबीर ने देखा कि चारों ओर इस संसार में विभिन्न संतापों की या विषय वासनाओं की आग लगी हुई है, और मैं इस विषय वासनाओं की आग से अपने आप को कैसे बचा पाऊंगा, तथा इस भवसागर से अगर मैं इन विषय वासनाओं से ग्रसित हो गया, अगर इन सांसारिक संतापों में मैं ग्रसित हो गया तो मैं मुक्ति को प्राप्त इस भवसागर से पार नहीं जा सकता, इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मुझे नहीं मिलेगा। इस बात को लेकर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमें इस जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त करना है तो क्या है कि हमें इस सांसारिक विषय वासनाओं को या संतापों को दूर से दूर रहना होगा, तभी हम इस भवसागर से पार उतर सकते हैं। तो यहां पर भी बात उपदेशात्मक की हो रही है। कबीर चित चम किया चम दिस लागी ला,
यानी कभी इस भवसागर से पार उतरना चाहते थे, और कभी ने देखा कि चौंतीस द्वितीय अंतरे का बाद दूसरे अंतरे का पहले चौंतीस लादी लाई, यानी कबीर ने देखा कि संसार में चारों चौंतीस चारों ओर विषय वासनाओं की या सांसारिक संतापों की लादी लाए आग लगी हुई है, यानी चारों ओर सांसारिक संतापों की या विषय वासनाओं की आग लगी हुई है। कबीर चित्त चैत्या और कबीरदास जी का मन ये देखकर क्या हो गया, चौकन्ना हो गया, चकित हो गया, क्या हो गया, चौकन्ना या चकित हो गया, चकित हो गया। हरी यानी संसार में चारों ओर विषय वासनाओं की सांसारिक संतापों की आग लगी हुई है, और कभी चित्त चमकिया कबीर दास जी का मन ये देखकर क्या हो गया, चकित हो गया या चौकन्ना हो गया, चकित हो गया। अब इस भवसागर से उनका मन इस भवसागर से पार करने के लिए कोई ना कोई उपाय सोचने लगा। जब उनका मन इस भवसागर से पार करने के लिए उपाय सोच रहा था, तब उन्हें ध्यान आया कि हरी सुमरन हाथों गड़ा, हरी सुमरन हाथों गड़ा, यानी हरी सुमरन हाथों गड़ा कि मेरे हाथ में तो प्रभु रूपी स्मरण, प्रभु स्मरण रूपी हाथों में गड़ा है, यानी मेरे हाथ में तो प्रभु स्मरण रूपी गड़ा है, मेरे हाथ में तो प्रभु स्मरण रूपी गड़ा है, बेगी लियो गुजार, और इस स्मरण रूपी गड़े से जल से भरे हुए गड़े से मैं इस आग को जल्दी ही बुझा लूंगा। देखिए दोबारा से कोशिश करते हैं। कबीर चित चमकिया चौंतीस लादी लाई, कबीर जी ने देख कबीरदास जी कहते कि मैंने देखा कि इस संसार में चारों ओर विभिन्न विषय वासनाओं की या संतापों की आग लगी हुई थी, और इस आग को देखकर मेरा मन चकित हो गया कि मैं इस भवसागर से कैसे पार जाऊंगा, और इस भवसागर से पार उतरने का क्या सोचने लग गया, उनका मन उपाय सोचने लगा। तो उपाय के रूप में उन्हें ध्यान आया हरी सुमरन हाथों गड़ा कि उनके पास में तो या उनके हाथ में तो प्रभु स्मरण रूपी जल से भरा हुआ क्या है, गड़ा है, और इस गड़े से बेगी ले बुझाए, इस गड़े से सांसारिक विषय वासनाओं की आग को तुरंत ही बुझाया जा सकता है, तो मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो परमात्मा रूपी स्मरण यानी नाम का गड़ा है, और इस परमात्मा के नाम से इस विषय वासनाओं की आग को क्या किया जा सकता है, बुझाया जा सकता है, शांत किया जा सकता है, और मैं इस भवसागर से पार कर जाऊं। विशेष की बात करें तो विशेष में यहाँ क्या है, यहाँ कहना चाहिए इस भवसागर से पार उतारने वाला कौन है, इस भवसागर से पार उतारने वाला कौन है, स्मरण या नाम, परमात्मा का स्मरण या नाम, यानी परमात्मा का स्मरण और नाम ही हमें इस भवसागर से क्या कर सकता है, पार कर सकता है, केवल नाम लेने से। यानी कल भी आपको जब विशेषता पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि नाम स्मरण पर कबीरदास जी ने क्या दिया है, बल दिया है, कि केवल कहा था पद सुनाएगा माला फिर रत जुग भया फिर मन का फेर, मन का ढाल देर, मन का फेर, ये कहना चाह रहे कि केवल हम परमात्मा का सच्चे दिल से नाम लेंगे तो भी हमें उस भवसागर से हम इस भवसागर से पार जा सकते हैं, बाकी चाहे कितने ही वैदिक कर्म कांड कर ले हम उस भवसागर से पार नहीं जा सकते। यहाँ उद्देश्य देने की कोशिश की है कि अगर सांसारिक विषय वासनाओं से हमें बचना है, इस सांसारिक विषय वासनाओं के संताप से अगर हमें बचना है तो हमें परमात्मा का नाम लेना है, और परमात्मा के नाम से हम इस भवसागर से पार जा सकते हैं। अलंकार की बात करें, अनुप्रास अलंकार तो है, यहाँ देखो हरी सुमरन हाथों गड़ा, यहाँ चमकिया चित चमकिया में अनुप्रास अलंकार है, चित चमकिया में अनुप्रास अलंकार है, लगी लाए भी क्या है यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है, और हरी सुमरन हाथों गड़ा है यहाँ पर देखो रूपक अलंकार है, कौन सा है, रूपक अलंकार है, तो इसमें अनुप्रास तथा रूपक अलंकार है, सप्तचर की रचना हो जाएगी, भाषा शैली उपदेशात्मक हो जाएगी, रीति व्याकरण भी है, भाषा पंचमेय पिछड़ी है, सदुपड़ी का पंचमेय पिछड़ी हो, क्योंकि सदुपड़ी भाषा कल लिखा है तो सदुपड़ी भाषा का नाम दिया है, संतों की भाषा को सदुपड़ी भाषा कहा सुकल ने, सुकल ने कहा है, और पंचमेय पिछड़ी कहा था श्याम सुंदर दास ने, श्याम सुंदर दास ने इनको पंचमेय पिछड़ी कहा था यहाँ, और रस की बात करें तो संतों के यहाँ श्याम पर है। आगे चलते हैं,
कर्म के तेज का कैसा है अनुमान, कहिबे को शोभा नहीं देखा ही परमान। आपने सूरदास जी का एक पद सुना होगा, यहाँ निराकार ब्रह्म की बात कर रहे हैं। कबीरदास जी कहना चाहे पार ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान, कहिबे को शोभा नहीं देखा ही परमान। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि निराकार ब्रह्म कैसा है, अगर कोई पूछना चाहे उस निराकार ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, उसके लिए कह रहे हैं उस परमात्मा का कोई स्वरूप नहीं है और ना ही उनका उसकी कोई तुलना की जा सकती है, ना ही उसके रूप की कोई तुलना की जा सकती है। आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, सूरदास ने कहा है निर्गुण के लिए, निर्गुण कौन देश को वासी, कौन माता पिता, कौन उसके माता पिता है, निर्गुण कहाँ रहता है, को जाति को रेख, यानी कौन सी उनकी जाति है, कौन सा उनकी जाति है, क्या रूप रंग है, कौन मात्र है, क्या खाते क्या पहनते। तो इस प्रकार से सूरदास ने जब उद्धव जी मथुरा से गोपियों को समझाने के लिए गोकुल आए थे, तब गोपियों ने उस निराकार के बारे में पूछा था, उस ज्ञानी को उद्धव से पूछा था। तो यही बात यहाँ कहना चाह रहे हैं, वो निराकार का कोई रूप रंग आकार नहीं होता है, देखने पर ही जब हम उसको देखेंगे तब ही हम उसको उसका प्रमाण मान सकते हैं, बाकी केवल उसका अनुमान किया जा सकता है। अगर उसकी कोई उपमा दी जाए तो उपमा भी नहीं है उसकी, क्योंकि ऐसा कोई वस्तु या उपमा लायक कोई चीज ही नहीं है जिससे उस परमात्मा की उपमा दी जा सके। ऐसी कोई विश्व में या संसार में कोई ऐसा तीनों लोकों में ऐसी कोई चीज नहीं है जो उस परमात्मा से तुलना की जा सके जिसकी। तो इस वजह से ही कह रहे पार ब्रह्म यानी परमात्मा ईश्वर निराकार राम के तेज का यानी प्रकाश तेजवान कैसा है अनुमान यानी अनुमान। कई को यानी कहने को शोभा यानी रूप नहीं देखा है देखने ही प्रमाण यानी जब हम देखेंगे कि वही प्रमाण है, उसके अलावा कोई उसकी तुलना नहीं की जा सकती किसी भी वस्तु से या जीव से। ये कहना चाह रहे कबीरदास जी पार ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान, यानी जो परमात्मा है निराकार ब्रह्म है वो बहुत ही तेजवान है, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान, यानी पार ब्रह्म के तेज का यानी उस वो परमात्मा निराकार ब्रह्म है वो बहुत ही तेजवान है, वो बहुत ही तेजवान है, उनका बहुत ही तेज है, कैसा है अनुमान। और उसका केवल उस परमात्मा की अगर हम व्याख्या करने चाहें तो शब्द में उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, उस परमात्मा बहुत ही तेजवान है, प्रकाशमान है। और अगर हम उनकी शब्दों में व्याख्या करना चाहें तो उनकी शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती है, कैसा है अनुमान, केवल उनका अनुमान ही किया जा सकता है, केवल हम अनुमान ही लगा सकते हैं कि परमात्मा ऐसे हो सकता है, उसका प्रकाश इतना तेजवान हो सकते हैं। आगे कहें कहिबे को शोभा नहीं, यानी अगर मैं उनको बता उनकी तुलना भी करना चाहूं तो संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिससे उनकी तुलना की जा सकती है, ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कोई जीव ही नहीं है जिनसे उनकी तुलना की जा सकती, तो कहने को शोभा अच्छा भी नहीं लगता, दो रूप में कैसे कहने को अच्छा भी नहीं लगता, या फिर संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिससे उनके रूप की तुलना की जा सके। देखा ही प्रमाण, उस परमात्मा को उस परम ब्रह्म को तो जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक उसका प्रमाण नहीं मान सकते, और जो जिसने देख लिया है उन्हीं की बातों का हम क्या करेंगे प्रमाण मानेंगे, उन्हीं की बातों को क्या मानेंगे सच्ची मानेंगे, और जब देखेंगे तब ही प्रमाण होगा, दूसरे के कहे अनुसार उस परमात्मा की हम क्या नहीं कर सकते व्याख्या नहीं कर सकते, जो देखता है वही इस परमात्मा को जान पाएगा। अब दूसरे के द्वारा अगर पढ़ना चाहे व्याख्या सुनना चाहे तो इस परमात्मा के रूप रंग के बारे में हम कुछ भी नहीं जान सकते। जैसे सूरदास ने एक पद लिखा था, ध्यान हो तो आपको 11 क्लास में था, गूंगे को गुड़ दे देते हैं और गूंगा व्यक्ति उसके स्वाद को बता ही नहीं पाता है, गूंगा व्यक्ति उस गुड़ के स्वाद को मीठा है खारा है बता ही नहीं पाता है, लेकिन अंदर ही अंदर उस व्यक्ति को स्वाद तो आ रहा है, उस गुड़ का स्वाद तो आ रहा है लेकिन वो गूंगा है दूसरे को बता नहीं पा रहा है। उसी प्रकार से इस परमात्मा को जो प्राप्त कर लेता है वो जो देख लेता है उसे तो आनंद की अनुभूति हो जाती है, वो तो जानता है कैसा कैसा है,
लेकिन वो व्याख्या नहीं कर पाता, उस परमात्मा की क्या नहीं कर पाता है, व्याख्या शब्दों में बयान नहीं कर पाता, ये बात ये कहना चाह रहे। यहाँ पे, यहाँ पर भी क्या करें, निराकार ब्रह्म की बात हो रही तो निराकार ब्रह्म के बारे में यहाँ बात हो रही, और ये कहना चाह रहे हैं कि परमात्मा का कोई निराकार ब्रह्म का कोई रूप रंग नहीं है, निराकार निरा निराकार ब्रह्म का कोई रूप नहीं, कोई रूप नहीं है, और देखने से ही प्रमाण होता है। अलंकार की बात करें तो अनुप्रास अलंकार कर लेंगे, रूप को हटा दें, सब शक्ति की बात करें तो कैसा है, मन कई लोग शोभा नहीं देखा नहीं, उद्देशात्मक शैली उपदेश दे हैं कि परमात्मा हमें कैसे दिखते हैं, और पंचमेल खींचिए कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सारे के सारे से रस्यांत हो जाए। आखिरी पद है हमारा, बाकी देखते हैं, चिंता तो हरि नाव की और न चितवे दास, जे कछु चितवे राम बिन सोई काल के पास। चिंता यानी चिंता हो जाए तो हरि यानी परमात्मा ईश्वर, नाम यानी नाम, नाम यानी नाम यानी नाम की, और न चित्वा चिंता, दास का मतलब हो जाएगा कभी, जे कछु यानी कुछ, चित्वे यानी चिंतन या ध्यान, चिंतन या ध्यान, चिंता या चिंतन भी कर सकते हैं, ध्यान चिंतन कर ले, चिंतन और बिन यानी बिना, राइट, राम सोई यानी वही, काल यानी मृत्यु, पास यानी फसना या जकड़ना, फसना जा। चिंता तो हरि नाम की और न चितवे दास, जे कछु चितवे राम बिन सोई काल के पास। यानी कबीरदास जी हमें इस पद में ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हमें इस भवसागर से पार जाना है और अगर हमें कोई चिंता करनी है तो उस परमात्मा के नाम की चिंता करनी चाहिए, उस परमात्मा का नाम ही स्मरण करते रहना चाहिए, तभी हम इस भवसागर से पार हो पाएंगे। अगर परमात्मा के बगैर हम अन्य सांसारिक चीजों का या वस्तुओं का ध्यान करते हैं, अक्षयों का ध्यान करते हैं, तो हम मृत्यु के पास में, मृत्यु के जाल में पकड़े जाएंगे, उस पार नहीं जा पाएंगे और इस जन्म मरण के से मुक्त नहीं हो पाएंगे, जन्म मरण के चक्कर से हम मुक्त नहीं हो पाएंगे, इस जन्म मरण के बंधनों में हम बंध ही रहेंगे, ये बात कहना चाह रहे हैं कबीर। चिंता तो हरि नाम, कबीर दास जी कहना चाह रहे हैं कि अगर मुझे किसी बात का चिंता है, अगर मुझे किसी बात की चिंता है या किसी बात का मैं चिंतन करता हूँ, ध्यान करता हूँ हरि नाम की, तो मुझे सिर्फ उस परमात्मा के नाम की चिंतन की चिंता है, और मैं जितने दास, और उस परमात्मा की चिंतन के अलावा या चिंता के अलावा ध्यान के अलावा मैं किसी अन्य का ध्यान नहीं करता हूँ, मैं अन्य के बारे में सोचता ही नहीं। जे कुछ चित्रे राम बिन, मैं जे कुछ चित्रे राम बिन सोई काल के पास, अगर कोई व्यक्ति उस परमात्मा के अलावा अन्य सांसारिक विषय वासनाओं का या मोह माया का चिंतन करता है या विषय सांसारिक विषय वासनाओं का चिंतन करता है राम को छोड़कर, तो सोई काल के पास वो व्यक्ति इस भवसागर से, इस संसार सागर से, जन्म मृत्यु के फंदे से या जाल से नहीं बच पाएगा, वो इस जन्म मृत्यु के जाल में फंसा ही रह जाएगा। फिर दोबारा से बता रहा हूं, चिंता तो हरि नाम और न चित्रे दास, यानी कबीर दास जी कह रहे हैं कि मुझे अगर किसी बात की चिंता है तो प्रभु के नाम की, या श्री राम, राम के नाम, श्री राम नहीं, राम, राम कौन सा, निराकार राम, यानी कबीर दास जी कह रहे हैं चिंता तो हरि नाम की, अगर मुझे किसी बात की चिंता है, फिक्र है या ध्यान करता हूँ तो मैं केवल उस परमात्मा का ही ध्यान करता हूँ, परमात्मा का ही चिंतन करता हूँ, अन्य सांसारिक विषय वासनाओं का चिंतन मैं नहीं करता, ध्यान नहीं करता, और मैं चित्रे दास
और अन्य सांसारिक विषय वासनाओं का मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं करता। कभी दास आए कभी उदास जी कहते हैं कि मैं अन्य किसी का ध्यान नहीं करता परमात्मा के अलावा। जे कुछ कछु चित्वे राम बिंदु, और अगर कोई मनुष्य राम के बगैर उस परमात्मा के बगैर अन्य सांसारिक विषय वासनाओं की चिंतन करता है चिंता करता है सोही काल के पास, वो व्यक्ति इस मृत्यु के पास में जाल में फंस जाता है और इस संसार सागर से जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट नहीं पाता है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती। विशेष की बात करें यहां तो यानी इस भवसागर से पार करें, अगर हमें चिंता करनी है तो किसकी चिंता करनी चाहिए? ईश्वर के नाम की चिंता करनी चाहिए, ईश्वर की या उस परमात्मा की, ब्रह्म की चिंता करनी चाहिए। किसकी चिंता करनी चाहिए? उस ब्रह्म की या निराकार ब्रह्म की चिंता करनी चाहिए, परमात्मा की चिंता करनी चाहिए। और अगर अन्य उस परमात्मा के अलावा अन्य किसी चीजों की चिंता करते हैं तो हम क्या हो जाएंगे? इस जन्म मरण के चक्कर से छूट नहीं पाएंगे, अहंकार हो जाएगा हमारे पास, संशक्ति आने को, चिंता तो हरि मन की ओर न चित्ते दास जय कछु चित्ते राम बिन सोई काल के पास। अभिदाय करते हैं भाषा शैली उपदेशात्मक है, रीति वेदर भी है, पंच है खिचड़ी भाषा शांत रस है। ये आज यहीं तक पढ़ेंगे, कल बचे पद हम देखेंगे। नमस्कार।